तो हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप ग्राफिक सेटिंग रखोगे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में ताकि आपका गेम लैग ना करे। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे ग्राफिक सेटिंग देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे एंड गेम भी ज़रा सा लैग नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसा क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है क्या ग्राफिक सेटिंग रखना है एंड आपको नहीं मालूम। आप कोई भी ग्राफिक सेटिंग पर क्लिक करके प्ले कर देते हो एंड फिर गेम लैग होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या आप ग्राफिक सेटिंग रखोगे ताकि आपका गेम लैग ना करे। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करो एंड एंड तक वॉच करना। ठीक है, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको ग्राफिक सेटिंग रखना है। अगर आपका 1 GB से लेकर 8 GB तक आपको ग्राफिक सेटिंग बताऊंगा कि क्या आपको ग्राफिक सेटिंग रखना है। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करो, प्रॉपरली वॉच करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा एंड गेम जरा सा भी लैग नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ट्रेन से रिलेटेड हम ऐसे ही वीडियो अपलोड आपके लिए करते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ कैसे ग्राफिक सेटिंग रखना है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने अपना गेम ओपन कर लिया। आपको भी गेम ओपन करके यहाँ पे जो सेटिंग वाला आइकन दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, अकाउंट का, ग्राफिक्स, गेम प्ले एंड ऑडियो। ठीक है, हमको यहाँ पे ग्राफिक्स का काम है, इस तीनों में से एक भी का काम नहीं है। ठीक है, ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वेरी लो है, एक लो है, एक मीडियम, हाइस और अल्ट्रा। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो और आप सही से रख नहीं पाते हो, कोई भी एक में क्लिक कर देते हो एंड गेम स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर आपका गेम लैग होता है या फिर सीधा हम गेम से ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, प्रॉब्लम आपके साथ भी आता होगा लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ग्राफिक सेटिंग करना है। ठीक है, तो मान लो आपका एंड्रॉयड डिवाइस में 1 GB रैम है। ठीक है, 1 GB रैम है तो आप वेरी लो पे कर सकते हो एंड लो पे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1 GB रैम है तो आप दोनों में से एक भी आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास 2 GB रैम का मोबाइल है। ठीक है, तो आप मीडियम पे रख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड हाइस में भी रख सकते हो। ठीक है, अगर मेरी मानो तो अगर आपके पास 2 GB का मोबाइल है तो आप मीडियम पे ही रखो। ठीक है, हाइस में मत करो ताकि थोड़ा बहुत लैग कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास 3 GB रैम है तो आप हाइस में रख सकते हो। ठीक है, 3 GB रैम वाले हाइस में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हाइस में भी रख सकते हो। एंड अगर आप मान लो आपके पास 4 GB रैम है, ठीक है, अल्ट्रा में ही रखो भाई, सच बता रहा हूँ। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट मत करो, सीधे अल्ट्रा में चले जाओ एंड सिलेक्ट करके गेम स्टार्ट कर दो। गेम मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि गेम खेलने में भी मज़ा आता है जब आप अल्ट्रा ग्राफिक्स में गेम खेलते हैं। ठीक है, अगर आपका 4 GB से लेके 8 GB तक मोबाइल है तो आप अल्ट्रा में सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब 4 GB से ज़्यादा रैम है या फिर 4 GB रैम है तो आप अल्ट्रा में सिलेक्ट करो। ठीक है, जिसका 1 GB रैम है वो, जिनका 1 GB रैम है वो वही लो पे सिलेक्ट करे या फिर लो पे सिलेक्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिसका 2 GB रैम है वो मीडियम पे सिलेक्ट करे, जिसका 3 GB रैम है वो हाई पे सिलेक्ट करे एंड जिसका 4 GB या 4 GB से ज़्यादा है वो अल्ट्रा पे सिलेक्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया कि कैसे आपको ग्राफिक सेटिंग रखना है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। ठीक है, बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। आपने नहीं समझा तो फिर से वीडियो को प्ले कर दो और वीडियो को देख लो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ग्राफिक सेटिंग रखना है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हो ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।